वेलकम टू एस जी इंसेप्शन। आई एम एट कर्नाटका एक्वेरियम और हमारे साथ है सैयद भाईजान। सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप? भाईजान, फर्स्ट टाइम मैंने हमारे चैनल पर सलकटा टोटोइज दिखाया, रेड फुट टोटोइज दिखाया, और उस वीडियो के ऊपर बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस आया। बिकॉज जाहिर सी बात है, पहली बार भी बहुत सारे व्यूवर्स ने मेरे साथ खुद पहली बार देखा, एंड क्रेडिट गोज टू यू, सारा श्रेय आपको जाता है कि ऐसे यूनिक एग्जॉटिक चीज़ें आप हमारे व्यूवर्स को दिखाते हो, और इंडिया में एग्जॉटिक पेट्स की हॉबी को बढ़ाने के लिए आप इतना पहल कर रहे हो, तो आपका आपको बहुत क्रेडिट जाता है उसमें। इस बार भाई क्या दिखाने वाले हो, ये सेकंड वीडियो में बना रहा हूँ। हाँ भाई, तो आज के दिन मैं आपको बता रहा हूँ, कल के दिन मैं आपको बताया था सलकटा टॉर्टाइस, और मैं आज आपको बता रहा हूँ माटा माटा टर्की। जैसे झाड़ के पत्ते को ले लीजिए, एज इट इज आपको झाड़ के पत्ते के जैसा दिखेगा माटा माटा टर्टल। ओके, बहुत रेयर वैरायटी है, आई थिंक बहुत कम लोगों के पास है अभी इंडिया में, है मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि वो दिखने में इतना यूनिक है, इतना यूनिक है, उसकी कोई हद ही नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल टर्टल रहता है, लेकिन आप इसको कोई भी नदी या फिर तालाब में इसको आप देख, आपको अगर दिख भी गया तो आप इसको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि ये पत्ता है, ऐसे समझ जी, जी। ये बहुत ब्यूटीफुल टर्टल रहता है, और ये फिशेस फीडिंग भी लेता है। तो पहले मैं आपको टर्टल दिखा देता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल टर्टल है जी। तो आप पहले टर्टल देख लीजिए, उसके आगे जी, 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 ये भी भाई टर्टल, ये स्टॉक भी फर्स्ट टाइम मैं हमारे चैनल पर फीचर कर रहा हूँ आपकी बदौलत, तो बहुत उत्सुक को कवर करने के लिए भी, और साथ ही हमारे व्यूवर्स को भी वो दिखाने के लिए। बिकॉज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना मैं उत्सुक हूँ उतना हमारे व्यूवर्स भी उतनी उत्सुक रहेंगे। जरूर भाई, क्योंकि मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं इस हॉबी को जो है वो अच्छे से अच्छा रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि क्या पाल सकते हैं क्या नहीं पाल सकते, तो ये सब लीगल टर्टल्स है, और ये हम लोग बाहर से नहीं मंगाते, ये लोकली ब्रीड होता है, तब हम लोग जाके इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हर साल के 12 महीने हमारे को नहीं मिलता है, सही बात है, जो सीजन रहता है वो सीजन पे हम लोग इनको मंगा के देते हैं, और इनके बहुत अच्छे से फार्म हाउस वगैरह पे रहते हैं, तो बहुत हेल्दी भी है जी। आप पहले टर्टल देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, जो भी आपको, अगर आपके मेरे जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मेरे से मिल जाएगी सभी को। ऑलराइट सर, भाई प्रोसीड करें टर्टल्स की तरफ। जरूर भाई। ऑलराइट, सो नाउ प्रेजेंटिंग बिफोर यू द माटा माटा टर्टल्स, अवेलेबल एट कर्नाटका एक्वेरियम। यू कैन जस्ट लुक एट द अपीयरेंस, ऐसे लग रहा है कि कोई पेड़ का जो सूखा हुआ पत्ता होता है वैसा ही दिख रहा है, एंड नॉट जस्ट दैट, आप इनका जो बॉडी का पैटर्न है वो शाइन हो रहा है, वो देख सकते हैं कैसा शाइन हो रहा है, लाइक दैट ऑफ डायमंड्स, जैसे इनको छोटे छोटे माइक्रो डायमंड स्टडेड है, ये ऐसे चमक रहे हैं इतने, आप देख सकते हैं। मैं हर एक टर्टल आपको दिखा रहा हूँ, एक भी टर्टल आप देख सकते हैं कि उसको चमक नहीं है, हर एक टर्टल चमक रहा है, ऐसे लग रहा है सिंपली डायमंड स्टडेड टर्टल्स है ये। सो सैयद भाई, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इनके बारे में? वह मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिसको एग्जॉटिक बोलते हैं वो ये माटा माटा है वाकई में। तो ये बहुत अच्छा टर्टल है घर पे रखने के लिए एज अ हॉबी, जी जी, क्योंकि सब लोग तो टर्टल पालते हैं जी, लेकिन जो सब लोग पालते हैं, थोड़े बहुत लोग उसमें ऐसे भी रहते हैं कि जो सब लोग के पास चीज़ रहती है वो हमारे से उसके हटके रहना चाहिए, बराबर है, तो वैसे लोगों के लिए आज मैं टर्टल लेके आया हूँ। सही बात है, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं कि भाई इसके बारे में कुछ मैं बोल ही नहीं सकता, ब्यूटीफुल तो है ही है जी जी, तो बहुत अच्छा टर्टल है, बाकी आप जो भी पूछिए जी। तो भाई मैं भी इन टर्टल्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं, तो हमारे व्यूवर्स के साथ मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा आपसे जानकर। पहले तो जानना चाहूँगा कि इन्हें रखा कैसे जाता है, टैंक में रख सकते हैं या टब में रख सकते हैं, कितना पानी होना चाहिए इनको, फीडिंग क्या लेते हैं, केयर कैसे करना चाहिए? देखिए पहले तो मैं ये बता दूँ आपको इसको रखने के बारे में, फीडिंग तो आप सेकेंडरी है जी। जब आप टर्टल ख़रीद रहे हैं तो टर्टल जब आपके पास घर पर जा रहा है तो पहले तो इसको क्या करना है आपको, थोड़ा सा नमक लेना है, सॉल्ट, सॉल्ट को पानी में डालना है, एकदम हल्का का नमक जी,
सॉल्ट को पानी में डालना वो भाई कैसा आयोडीन वाला हो कि और जाड़ा कोई नमक भी चलेगा, कोई भी चलेगा, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। ओके, रॉक सॉल्ट भी बहुत अच्छा रहता है जी। रॉक सॉल्ट थोड़ा सा पानी में डालिए, हिला के पानी में, उसके बाद टर्टल को उसमें डालिए जी। टर्टल क्या रहेगा, जो भी फंगल इन्फेक्शन या जो भी उसको रहेगा, वो फंगल इन्फेक्शन कभी दिखाई नहीं पड़ेगा पहली बार। तो उसको आप फिर से उसको निकालिए, एकदम क्लियर पानी में वॉश करिए, और आपके एक्वेरियम में, एक्वेरियम का पानी आप कैसे भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन टैंक। आपको मैं 3 फीट का टैंक का सेटअप बता देता हूँ, 4 to 5 inch का पानी रख सकते हैं, और उसके ऊपर आके बैठने के लिए बास्किंग एरिया बना सकते हैं थोड़ा बहुत। और ये टर्टल फूड भी खा लेता है, फूड के अगर हम बात करेंगे तो टर्टल फूड भी खा लेता है। और लाइव फीडिंग जैसे आप चिकन हार्ट, चिकन लिवर या फिर फीडर फिश वगैरह, फीडर फिश दे सकते हैं, और टर्टल फूड भी बहुत अच्छे से खा लेता है भाई। ओके, और इनको यूवी लाइट नेसेसरी है, ज़रूरी है? नहीं, ऐसा इनको कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये पानी के प्रजाति है। ओके, तो पानी की प्रजाति को आप उतना यूवी भी जितना भी दीजिए, अगर एक बार पानी में डिप हो गया तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। ओके, अगर आप यूवी भी देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इनको दे सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है या फिर रूल्स नहीं है जी। यूवी भी कंपलसरी, एवरी रेप्टाइल्स के लिए यूवी भी चाहिए ही चाहिए। ओके, तो इनको जितना आप टॉर्टोइस को देते हैं उससे थोड़ा कम दे सकते हैं, जैसे कि अगर टॉर्टोइस को 4 आवर्स दे रहे हैं तो इनको 1 आवर में दे सकते हैं। ओके, और पानी का टेम्परेचर जो रहता है वो ज़्यादा कोल्ड नहीं रहना चाहिए। ओके, क्योंकि कोल्ड में क्या होता है, कभी भी जैसे कि हार्ट अटैक आ सकता है इनको ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से जी। या फिर जिसको फिक्स बोलते हैं जी जी, तो ऐसे भी इनको हो जाता है ज़्यादा कोल्ड रहने से। तो बहुत एकदम धीमे से पानी रहना चाहिए। ओके, अगर उतना मेंटेन करने को नहीं हो रहा है तो रात में पानी के बाहर निकाल के रख दीजिए, और अगली सुबह आप इसको पानी में फिर से डिप कर सकते हैं। ओके, तो भाई ये टर्टल्स कितने ग्रो होते हैं, कितने बढ़ते हैं ये? भाई ये बहुत अच्छे होते हैं, मैं इसको लास्ट देख के हूँ 15 to 18 inch तक। अच्छा, तो इतना ही मैं बता सकता हूँ। ओके, क्योंकि आप गूगल भी सर्च कर लेंगे तो उसमें उसका परफेक्ट साइज नहीं है जी जी। तो मैं जितना साइज देखी हूँ उतना तो मैं बता सकता हूँ, 15 to 18 inch तक। ओके, और ये बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, जब बड़े हो जाएंगे तो और खूबसूरत लगेंगे। ओके, कुछ कुछ लोग जो रेडियस स्लाइडर्स एक्वेरियम फिश के साथ रखना पसंद करते हैं, क्या इनको भी फिश के साथ रख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये फिशेस को खा लेंगे। अच्छा, फीडिंग फिश जैसे आप डाल रहे हो उसको समझ के फीडिंग फिश, और ये खा लेंगे। अच्छा, अगर उनको मार नहीं पाए तो ये अटैक तो जरूर करेंगे, उनको डैमेज, मतलब रेडियस स्लाइडर्स की तरह ये फिशेस के साथ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, और रेडियर स्लाइडर भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो बड़े होने के बाद रेडियर स्लाइडर भी फिशेस को खाते हैं। सही बात है। ऑलराइट, सो भाई अगली चीज पूछना चाहूंगा कि इनके जैसे कि हम देख सकते हैं जो पैटर्न है बहुत ही अलग है, बहुत ही रेयर किस्म का पैटर्न है, जो ऐसा मतलब टर्टल में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हेल्थ कंडीशंस प्रिवेंट करने के लिए, कुछ डिजीजेस प्रिवेंट करने के लिए क्या हम लोग को करना चाहिए? पानी जैसे एक फैक्टर हो गया कि मेंटेन करना चाहिए, उसके अलावा ये पैटर्न ऐसा ही चमकदार रहे, ऐसा ही शाइनी पैटर्न रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप टीथ ब्रश आता है, टीथ ब्रश से वीकली वंस वॉश कर सकते हो। ओके, क्योंकि इनके ऊपर जो रहता है वो ग्रीन जम जाता है। अच्छा, ग्रीन जमने से क्या होता है, इनका कलर आपको उतना दिखाई नहीं पड़ता है। बराबर, टीथ ब्रश से वॉश कर सकते हो। बराबर, पूरे टर्टल को वॉश कर सकते हो, और उसको फ्रेश पानी में भी डाल सकते हो। और जब भी इनको वॉशिंग करी जाए तो प्लीज अगर क्या बोलते हैं, हैंड ग्लव्स या फिर हाथ को क्लीन रखे। ओके, हाथ को क्लीन रखने का ये नहीं है कि शैम्पू पाउडर जो भी सर्फ आता है वो मत यूज करिए। ओके, जितना हो सकता है पहले हाथ को वॉश करके फिर हाथ को पोंछ के फिर इसको टच करा जाए। ओके, क्योंकि हमारे इंडिया में हर एक चीज को बहुत कॉमनली लेते हैं जी। ये कॉमनली लेने के वजह से ही आज हमारे इंडिया में ये सब एनिमल बैन करा गया है। बहुत चीजें मैं देखा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ कि बैन करा गया है। अगर हम इनको अच्छे से मेंटेन करेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी है ना, मजबूरी से हमारे को ये देगी कि भाई आप लोग ठीक से रख सकते हो तो पाल भी सकते हो। सही बात है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको जितना हो सकता है उतना भी केयरफुल, क्योंकि हार्ट टर्टल तो है ही, ऐसे कुछ इनको होने का चांस नहीं है। फिर भी देखना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जब घर पे हम लेके आते हैं तो ये नहीं कि पैसा है तो लेके आ जाना जी। जो चीज को खरीद रहे हैं वो चीज को अच्छे से अच्छा देखेंगे तभी इस चीज की वैल्यू है। बहुत बढ़िया बात, वेल सेड भाई। तो फाइनल बात, प्राइस दाम क्या है इनका?
भाई इसका देखिए, मैं पिछली बार सेल कर रहा था 65,000, लेकिन अभी इसका प्राइस है 35,000 रुपीज पर पीस। क्यों बोले तो ये बहुत ज्यादा ब्रीड हो गए थे, मैं बहुत लोगों को अभी डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया हूँ। अच्छा। अभी मेरे पास थोड़ा बहुत ही स्टॉक बचा हुआ है। अच्छा। तो इसको मैं 35,000 रुपीज ईच पीस के हिसाब से सेल कर रहा हूँ। अगर किसी को मेल फीमेल चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, मेल फीमेल। और ये इसको मैं ये बता दूं, ये पहली तो बात है रेड बेली माटा माटा। ओके। इसमें आता है दो वैरायटी का माटा माटा, सॉरी तीन वैरायटी का आता है, रेड बेली माटा माटा, ब्लैक बेली माटा माटा और एल्बाइनो माटा माटा। एल्बाइनो माटा माटा तो चलिए वो सीआर के ऊपर ही है, रेड बेली और ब्लैक बेली में हम बात करते हैं। रेड बेली जो रहता है वो मोस्ट एक्सपेंसिव टर्टल है माटा माटा में, और ब्लैक बेली जो है इससे प्राइस कम है, लेकिन ब्लैक बेली अभी किधर ब्रीड नहीं हुआ है, तो जो मेरे पास अभी रेड बेली है वो मेरे पास अवेलेबल है। सो दीज वर द ब्यूटिफुल माटा माटा टर्टल्स अवेलेबल एट कर्नाटका एक्वेरियम। सिंगल पीस इज अवेलेबल एट 35,000 रुपीज एंड आपको स्टेट डिलीवरी मिल जाएगी कर्नाटका एक्वेरियम की तरफ से। ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स में स्टेट डिलीवरी अवेलेबल है। सो आपको वीडियो के शुरू में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद कर्नाटका एक्वेरियम के इंस्टाग्राम पेज लिंक्स। सो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इन स्टॉक के बारे में इंक्वायरी या परचेज रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। सो अब हम प्रोसीड करेंगे अगले वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।